हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमम लव। आज का हमारा वीडियो है वो है कि एलोवेरा आपके बालों में लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं, एलोवेरा अगर आप बालों पे लगाते हैं तो इससे क्या होता है, कितना फायदेमंद होता है, और इसे अगर आप बालों में लगाते हैं तो हमारे बालों में इसका क्या असर होता है और कितना इफेक्टिव होता है ये। तो इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाली हूँ कि एलोवेरा आपके बालों के लिए कैसे काम करता है और इसे क्यों लगाना चाहिए आपको। तो बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों के कि एलोवेरा से क्या फायदा होता है बालों में लगाने के। तो मैं बताऊंगी कि आपको एलोवेरा अगर बालों में लगाते हैं तो आपके लिए वो कितना असरकारक है, आपको क्या क्या फायदे होते हैं आपके बालों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप बालों में एलोवेरा लगाते हैं, एलोवेरा जेल बहुत ही इजी से मिल जाता है, आप फ्रेश एलोवेरा का भी यूज लगा सकते हैं या फिर आप जो मार्केट वाला एलोवेरा है वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही इफेक्टिव होते हैं। लेकिन जो फ्रेश एलोवेरा होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है आपके बालों के लिए। आपके बालों की अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपके एलोवेरा होता है वो आपके बालों को मॉइस्चर करता है, आपके बालों का ड्राइनेस फ्रिजनेस होती है उसको ठीक करता है एलोवेरा। सेकेंड फायदा इसका एलोवेरा का है कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आप इसे अगर आप एलोवेरा लगाएंगे बालों में, इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे और इसके साथ साथ ही आपके जो नए बाल हैं वो भी उससे उगना स्टार्ट हो जाएंगे एलोवेरा से। थर्ड फायदा इसका ये है, नेक्स्ट, एलोवेरा में मौजूद विटामिन ए, सी और ई होता है जो आपके बालों की जो हेल्दी सेल होती है उसको ग्रोथ उसको प्रमोट करते हैं, हेल्दी सेल्स को। इससे क्या होता है, आपके बाल चमकदार बनते हैं, घने बनते हैं, आपके सिल्की शाइनी बाल बनते हैं इससे। नेक्स्ट फायदा इसका ये है, एलोवेरा में मौजूद विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड होता है जो आपके बालों का गिरना रोकते हैं, यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो एलोवेरा लगाएंगे आपके बाल रुक जाएंगे, इसे एक या दो बार ट्राई करेंगे आपके बाल बिल्कुल इससे झड़ना रुक जाएंगे, क्योंकि आपके बाल को ये झड़ने से रोकता है एलोवेरा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है आपके बालों को झड़ने से रोकने में। नेक्स्ट फायदा है आपका एलोवेरा बालों में लगाने का, एलोवेरा बालों में लगाने से आपके जो बालों का एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि एलोवेरा में ऐसे गुण होते हैं जो आपके बालों के जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको नियंत्रण करता है और आपकी जो चिपचिपी ऑयली स्कैल्प होती है उसको कंट्रोल करता है। इससे आपके बाल में ऑयली चिपचिपे नहीं रहेंगे बल्कि वो एकदम चमकदार, घने, फ्रेश आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे, इससे आपके चिपचिपे बाल नहीं रहेंगे, इससे कंट्रोल करता है ये आपके बालों की ऑयली स्कैल्प। नेक्स्ट फायदा इसका ये है कि अगर आप एलोवेरा अपने बालों में लगाते हैं तो ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या फिर रक्त संचार होता है उसको बढ़ा देता है। अगर आप इसे अपने बालों में या स्कैल्प पे लगा देता है तो वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आपके बालों की ग्रोथ होती है इससे और आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं एलोवेरा लगाने से। नेक्स्ट फायदा इसका यह है एलोवेरा लगाने का, एलोवेरा आपका जो गंजापन होता है उसको भी दूर करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बढ़ झड़ रहे हैं, आपका बोल्डनेस दिखने लग गया है, आपका बहुत खाली खाली सर दिखने लग गया है, बाल बहुत ज्यादा उड़ गए हैं, ज्यादातर ये होता है जो लड़कों में होता है, देखने को मिलता है कि साइड से उड़ने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करें, एलोवेरा का कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करने लग जाइए। क्या होगा, इससे आपका गंजापन दूर करेगा, आपके नए बाल उगेंगे, क्योंकि एलोवेरा में ऐसे गुण होते हैं जो आपके बालों को उगाते हैं और आप नए बाल आपके धीरे 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 आना स्टार्ट हो जाते हैं। एलोवेरा को आप शैम्पू के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आप जैसे शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसमें भी एलोवेरा को डाल के ले सकते हैं, या फिर जो एलोवेरा का शैम्पू होता है वो भी बना सकते हैं आप नेचुरल, घर पे भी बना सकते हैं। तो एलोवेरा आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब को दूर करने के गुण हैं एलोवेरा में मौजूद हैं। तो आपको बालों की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप कंटिन्यूसली एलोवेरा लगाना स्टार्ट कर दीजिए। एलोवेरा का आप मार्केट से महंगा पड़ रहा है आपको लाना, तो आप प्लांट लगा लीजिए, बहुत ईजिली उग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है, आप छोटा सा पॉट में लाके लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एलोवेरा आसानी से लग जाएगा और उस घर पे ही आप एलोवेरा जेल बना के अपने बालों में लगाने लग जाइए।
सप्ताह में 2 बार यूज कीजिए, आपके बालों का फर्क आप खुद देखेंगे कि आपके बालों की वो बाल आपके लंबे होते जा रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, आपके बाल जो रुक गए थे बढ़ने से वो आपके बाल लंबे हो रहे हैं, यानी कि बालों की बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है एलोवेरा। तो अगर आप इस वीडियो में आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे कि एलोवेरा आपके बालों में क्यों लगाना चाहिए और बालों में लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं एलोवेरा के, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, एलोवेरा का जरूर यूज करें अपने बालों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और मेरे बालों में मैं एलोवेरा का बहुत यूज करती हूँ, ज्यादातर हर ऑयल में मिक्स करके मैं एलोवेरा का यूज करती हूँ। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए यूज करना, फर्क आपको खुद नजर आएगा। आप वीडियो पे विश्वास मत करिए, आप खुद पे विश्वास रखिए और लगाइए, फर्क आपको खुद नजर आएगा। और ये था मेरा वीडियो कि बालों में एलोवेरा लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को एंड ब्लॉग को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा।